यार गाइस, आज हम बहुत ही अमेजिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले, खासकर कार्टून नेटवर्क तो भाई अलग ही लेवल पर मचा रहा है यार। कि इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स कार्टून नेटवर्क की तरफ से आई है यार, मैं क्या ही बताऊं। यानी कि कार्टून नेटवर्क पर आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। अगर आप कार्टून नेटवर्क के बहुत बड़े फैन हो तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो यार इसी बात पर अभी की अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार कार्टून नेटवर्क पर आपके फेवरेट शोज के साथ एनीमे भी आने वाला है। तो यार लाइक कर देना और इसी के साथ पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, वरना अगर तुम स्किप कर दोगे तो तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेनड्रैगो एक्स ये तो यार सियापा हो गया। और आज की वीडियो तो भाई स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज सभी अपडेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज और एनिमे को कभी भी मिस नहीं करोगे। और गाइस, हम 50,000 परिवार, 50,000 सब्सक्राइबर्स के परिवार बनने के काफी क्लोज है। तो यार इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब की घंटी को दबाइए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, ताकि हम इंडिया के अंदर एनिमे के कल्चर को और भी फैला सके। और यार कार्टून नेटवर्क और बाकी सारी यू नो एनिमे के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट एक रिमाइंडर होने वाली है। काफी लोगों को ये बात पहले से ही पता होगी, पर मैं फिर भी एक बार फिर बताना चाहता हूँ, क्योंकि टीन टाइटंस को कार्टून नेटवर्क पर आने वाली है 5 अप्रैल दोपहर के 1 बजे। तो हमारे टीन टाइटंस के छोटे अवतार को देखकर मजे कर लेना, भले ही इसकी स्टोरी अच्छी ना हो पर इसकी कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छी है। हमारी अगली अपडेट है हड्डी मेरा बड्डी को लेकर। तो काफी टाइम से ये डिले होते जा रहा था, पर कार्टून नेटवर्क ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल के सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर अंदर हड्डी मेरा बड्डी कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। हाँ, ये काफी टाइम से डिले होते जा रहा था, पर अब क्या ही कर सकते हैं, उनको भी अलग काम हो रहा था, बट अब ये कंफर्म्ड हो चुका है अप्रैल के सेकेंड या थर्ड वीक में ये आने वाला है। हमारी अगली अपडेट है करेज द कावर्डली डॉग की तरफ से। जो मैंने पोल डाला था यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के अंदर, जहां मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी, तो करेज द कावर्डली डॉग को 5,500 वोट्स मिल चुके हैं। 89% वोट से करेज द कावर्डली डॉग जीत गया। ये पोल की स्क्रीनशॉट मैंने कार्टून नेटवर्क तक पहुंचाई, वो लोग काफी ज्यादा खुश है और उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई करेज द कावर्डली डॉग पक्का आ रहा है, कंफर्म्ड हो गया है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब इसकी डेट और टाइमिंग्स अनाउंस हो जाएगी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो यार अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार हमारी अगली अपडेट है एरिन के तरफ से, यानी कि अटैक ऑन टाइटन में से हमारे मेन कैरेक्टर एरिन भाई का आज बर्थडे है। तो भाई सब लोग एरिन भाई को आज विश करो, बढ़िया बढ़िया विश करो, क्योंकि उनके जिंदगी में ना बहुत ज्यादा ही बर्बादी है, उनकी जिंदगी काइंड ऑफ झंड हो चुकी है। तो भाई कम से कम आपके विशेष से थोड़े बहुत तो खुश हो जाएंगे हमारे एरिन भैया, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 उनके लिए इतना कुछ खास जा रहा नहीं है। यानी कि भाई इतनी तकलीफें इस बेचारे की जिंदगी में है कि मैं क्या ही बताऊं। तो कम से कम बर्थडे के दिन तो जरा मुस्कुराइए और इनको विश कर दीजिए कमेंट में हैप्पी बर्थडे एरिन भाई लिखकर। हमारी अगली अपडेट है नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है पैप्रिका एनिमे, वो भी हिंदी में, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि नेटफ्लिक्स बहुत ही रेयरली किसी भी एनिमे को हिंदी में डब करती है। और ये लोग पैप्रिका एनिमे को, जो कि बहुत ही बढ़िया एनिमे है बाय द वे, उसको हिंदी में स्ट्रीम कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो जरूर देख लेना, हिंदी डब में इसे देख लेना। भले ही ये जापानीज और कोरियन में अवेलेबल है, पर मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में देखो, क्योंकि अगर आप हिंदी में इसे देखोगे तो नेटफ्लिक्स और भी ज्यादा हिंदी में एनिमे को डब करेगा, जो कि हमारे लिए सबसे बेहतर बात होगी। और यार इसको प्लीज पायरेसी करके ये मत करना, क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स सस्ता हो चुका है 199 में, तो आप टीवी पर भी स्ट्रीम करके देख सकते हो लिटरली। तो भाई जितना हो सके उतने लीगली ट्राई करो इसे देखने का। तो यार चलो आगे की ओर। तो यार हमारी अगली अपडेट है कार्टून नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि कार्टून नेटवर्क रीब्रांड होने वाला है। जी हाँ, अब रीब्रांडिंग का ये मतलब मत समझना कि जैसे मार्वल के सुपर हंगामा में तकदीर हो गया था, वैसे ही कार्टून नेटवर्क भी किसी और चीज में तकदीर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी सारे रूमर्स इस बात पर चल रहे थे कि कार्टून नेटवर्क दरअसल बूमरैंग चैनल, यानी कि एक ब्रांड न्यू चैनल में इवॉल्व होगा। तो देखो आज मून नाइट की सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है, तो आज के दिन मजाक नहीं
नहीं, ये गलत है, ये फेक है। हालांकि कार्टून नेटवर्क रीब्रांड हो रहा है ये बात सही है, पर वो रीब्रांड एक नए एरा में होने वाला है जिसका नाम इन्होंने रखा है ड्रॉ योर इमेजिनेशन एरा, ऐसा कुछ तो है। तो बेसिकली कार्टून नेटवर्क का नाम सेम रहने वाला है, उसके शोज थोड़े बहुत अलग आएंगे, उसका लोगो सेम आने वाला है, पर जो बम्पर्स दिखाए जाते हैं ना, जैसे कि कोई नया शो आता है उसकी एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा, वो सारी बदलने वाली है, कुछ इस प्रकार की होने वाली है। जो आपके चैनल पर दिख रहा है ना, वैसा कुछ ये लोग बनाने वाले हैं। तो बेसिकली सब कुछ सेम होने वाला है, बस कार्टून नेटवर्क अपनी पैकेजिंग को थोड़ी बहुत बेहतर कर रहा है, थोड़ी एनिमेशन में सुधार कर रहा है। सो दैट्स इट यार, और कुछ रिब्रांड नहीं होने वाला, क्योंकि काफी रूमर्स चल रहे थे कि बूमरैंग आएगा, टूनामी आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस पैकेजिंग थोड़ी और बेहतर होने वाली है। ऐसा समझ लो आप कैडबरी डेयरी मिल्क में आपको 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, वैसा ही कार्टून नेटवर्क पर आपको थोड़े एनिमेस, थोड़े कार्टून, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके अच्छा मिलेगा। तो यार अब बात करते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज यानी कि सबसे बड़े खबर के बारे में, क्योंकि सारी छोटी मोटी खबरों को तो हमने निपटा दिया, पर अब बात करते हैं बड़े बड़े खबरों की ओर। जी हाँ, कार्टून नेटवर्क ने आज कंफर्म कर दिया, यानी कि उन्होंने मुझे कहा है कि आज के दिन अपने व्यूअर्स को कहो कि कार्टून नेटवर्क देखो, क्योंकि आज वो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। और मैंने फिर एक बार उनको पूछा कि क्या कुछ एनीमे के रिलेटेड होने वाला है, और उनका जवाब आया हाँ भाई एनीमे के रिलेटेड ही होने वाला है। अब इससे पहले मैंने कार्टून नेटवर्क से बात की थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि ड्रैगन बॉल सुपर के साथ वो योकाई वॉच और डिजिमॉन को भी लाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर वो लोग कह रहे हैं कि आज के दिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कार्टून नेटवर्क पर होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि एनीमे का अनाउंसमेंट होगा, तो बहुत बड़े चांसेस है कि आपको योकाई वॉच या डिजिमॉन का प्रोमो देखने को मिल सकता है, या तो दोनों में से एक देखने को मिलेगा, या फिर दोनों ही देखने को मिल जाएगा, पर कुछ ना कुछ तो देखने मिलेगा, या फिर कोई दूसरा कोई एनीमे आ सकता है। तो गाइस जरूर कार्टून नेटवर्क को आज ऑन करके देखो, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त ये प्रोमो टपक सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ड्रैगन बॉल सुपर का क्या, वो कब आएगा, तो ड्रैगन बॉल सुपर मई के एंड या फिर जून में ही उसकी कोई ना कोई अपडेट आएगी, तो उसको अभी के लिए तो जरा भूल जाओ। पर आज के दिन आपको शायद डिजिमॉन, योकाई वॉच या किसी और एनीमे का कुछ इन्फो मिल सकता है कार्टून नेटवर्क के चैनल पर। तो भाई अगर आप टीवी पर मतलब घर पर हो, तो टीवी ऑन करो, कार्टून नेटवर्क शुरू करो, क्योंकि आज कार्टून नेटवर्क रीब्रांड हो रहा है, यानी कि वो नया बम्पर एक्सेट्रा सब लाएंगे। इसी के साथ कुछ ना कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन वो लोग आज दिखाने वाले हैं, तो यार काफी क्रेजी मोमेंट है। और इसी के साथ एक बोनस अपडेट है बेंटन की तरफ से, तो क्योंकि कार्टून नेटवर्क ने मुझे कहा है कि वो लोग बेंटन एक्सप्रेस करके एक शो लाने वाले हैं, जो बहुत पहले टेलीकास्ट हुआ था, तो वो भी एक आने वाला है। उसकी टाइमिंग्स में यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट पर दिखा देता हूं, तो दैट्स काइंड ऑफ नाइस। तो काफी अच्छी बात कार्टून नेटवर्क की तरफ से आने वाली है, तो भाई काफी मजे आने वाले। तो यार वो एनीमे कौन सा हो सकता है, वो आज हमको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तो भाई ये वीडियो मैं 9 बजे डालूंगा सुबह को, और कार्टून नेटवर्क पर ये जो नया प्रोमो है वो दोपहर या शाम के वक्त तक आ जाएगा। तो यार काफी क्रेजी थिंग्स होने वाली है कार्टून नेटवर्क पर, तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कॉमेंट में लिखकर बता देना। तो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमाल के ऐसे अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, खुद का ख्याल रखे ऐसे बुरे वक्त में, एंड की वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।